फिर जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्फ्यूज है फैसला नहीं कर सकी कि सदारत लेगी या वारत उजमा और आज फिर से पीपल्स पार्टी का आ, इजलास है लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि मैं जानना चाहूँगी कि बुशरा बीबी अपना सामान बांध के किधर जा रही हैं इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अपना सामान बांध के आखिर वो जा किधर रही हैं पता करते हैं सर आप बताएँ आपने जो बात सुनाई अपने इंट्रो में कि पीटीआई ने बाजी पलट दी जी अभी कोई ऐसी बाजी नहीं पलटी अभी तो एक नॉमिनेशन हुई है उन्होंने एक आइनी तकादा पूरा किया है अपनी जमात की तरफ से कि अगर वो नंबर्स गेम उनके पास पूरी हो जाती है के पी के अंदर तो पीटीआई का जो चीफ एग्जेक्टिव एक है कौन होगा खैबर पखतुवा के अंदर के uh, पी में वजराला अमीन अली गुंडापुर का नाम सामने आया है लेकिन दूसरी तरफ पी एम एल एन ने वहाँ पर दस हल्के uh, खोलने का मुतालबा, मुतालबा किया मुतालबा है उसकी जो एक प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस वो अडोप्ट किया है और अगर वो दस हल्के खुल जाते हैं तो बजाय चीफ मिनिस्टर का जो इंतहाब है उरा कुछ अर्से के लिए मुलतवी हो जाएगा ये अजीब सा वैसे इलेक्शन हुआ है वैसे तो आ, हमारे जो वजी अजम हैं वो भी सफाई दे चुके हैं और जीतने वाले और हारने वाले कई सिफाइयाँ दे रहे हैं और कई वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है जी पी एम एल एन का कहना है कि पंजाब के अंदर हम हमें मैंडेट मिला है और पंजाब के अंदर शफाफ इलेक्शन हुआ है लेकिन खैबर पखतनख्वा के अंदर चूंकि पी टी आई मेजोरिटी में है तो वहाँ पर धांधली हुई है और दस हल्के खोल दें ये वही वाली बात है ना कि जब आप जीते तो सब कुछ ठीक है जब आप हारे तो नहीं दूसरी तरफ ये भी हाल है ना कि पीटीआई का भी यही हाल है कि अगर खैबर पख्तनखा के पास में उनके पास लीड है तो फिर ठीक है पंजाब में अगर उनके पास लीड नहीं है तो फिर यहाँ धांली हुई है और आपने देखा इनके सलमान नकरम राजा हाई कोर्ट गए और काफ़ी हल्के उन्होंने खासतौर पर अपना हल्का जो है वो खुलवाने की कोशिश की लेकिन अदालत ने तमाम दरखास्तों को रद्द कर दिया कि आप मुतलका फ़ोरम पर पहले जाएँ वहाँ अपनी रेमेडी इस्तेमाल करें बात यह है कि ये इलेक्शन वैसे मेरे मेरे होश में होने वाले इंतबात में ये अपनी नोयत का बड़ा मुख्तलफ और बड़ा पचीदा इलेक्शन से, से हम मैं तो यही आपके प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में हम बार बार कह चुके थे इलेक्शन से पहले भी कि इलेक्शन बड़े मुख्तलिफ़ होंगे बहरहाल ये आहिस्ता आहस्ता आप देखेंगे ये शोर दबता जाएगा जो 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 जमातों की पोजीशन बेहतर होगी मुस्तकम होगी और वाजी होगी ये धांधली का धोंस का दबाव का जो शोर है वो मतलब बतदरीज दबता जाएगा बहरहाल ये हर जमात का एक सियासी तौर पर एक हथकंडा होता है प्रोपेगंडा होता है ये एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए अपनी मुखालफ जमात को दबाव में लाने के लिए इस तरह का प्रोपेगंडा इस्तेमाल करते हैं ये एक सियासी स्टंट है कि आप आ, अपनी मद्दे मुकाबल जमात को डिफेंसिव पोजिशन पर ले आए खुद वो अग्रेसिव हो जाते हैं ये आप पंजाब के अंदर देख लें यहाँ पे पीटीआई का बयानी और हैं और खैबर पखतनख्वा में उनका बयानियाँ और है मुस्लिम उनका भी यही हाल है वफाक में बयानियाँ और है और खैबर पखतनख्वा की हद तक उनका जो है मौकाफ और है दूसरी तरफ जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की है पीपल्स पार्टी कंफ्यूज नहीं है पार्टी में यही तो उनका क्रिजमा है आसफ़ अली जरदारी का बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं वो अपने मुखालफिन के असाब पर जरब लगाते हैं ये जो डेंग ट होते हैं ना जान के ये अपना दबाव बढ़ाना और अपनी जो अपनी शरायत हैं अपनी शराय है अपनी शरायत मनवाने के लिए इस वक्त जिस पोजिशन में वो है मैंने पहले भी आपको किया था जी जी कि वो स्मार्ट पोलिटिशन खास तौर पर मुस्लिम नून के पास कोई ऑप्शन नहीं है नून के अपना पीटीआई के साथ वो हाथ मिला नहीं सकते ना पीटीआई हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो आज आके पीपल्स पार्टी वाद ऐसी जमात है जिसकी उन्हें जरूरत है वफाक में भी और किसी हदक पंजाब में भी पंजाब में तो शायद आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की उन्हें ज़रूरत ना रहे लेकिन वफाक में किसी भी सूरत वो पीपल्स पार्टी के बगैर और एम क्यू एम के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते तो इस सूरत हाल में आसफ़ अली अली जदारी बहुत स्मार्ट मूव कर रहे हैं उन्होंने जो अपनी शरायत रखी हैं पी एम एल एन के सामने पहली तो उनकी डिमांड है कि बिलावल भट्टो हमने उसको वजी अदम नामज़द कर दिया है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूट कमेटी ने लिहाजा आप इस हमारे फैसले को तस्लीम करें और पंजाब में हम इसके बदले में आपको सपोर्ट करेंगे वफाक में आप आ, बिलावल भट्टो को बतौर वजीम ले के आएँ मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि ये तारीख है हमारी यहाँ पर मियाँ मंजूर भट्टू ने आ, इसका एडवाटेज लिया हुआ है सत्रह एम पी एस के साथ वीफ मिनिस्टर एलेक्ट हुए थे पंजाब के अंदर फिर इसी तरह वफाक में जब इतिहादी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग काफ की तो परवेज लाई ने अपनी शरात मनाते हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहद हासिल किया था और ये आयन में तरमीम करके या एक सियासी मसलत के तहत मुफामत के तहत ये एक नया पोर्टफोलियो ईजाद किया गया इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान के आयन में उससे पहले नायब वजीम का कोई अहदा नहीं था कोई तस्वर नहीं था बार कैफ़ चूँकि ये जो हमारे सियासदान हैं अपने अपने मफाद के लिए अपनी अपनी गेम के लिए आयन को मोम की नाक बनाना इन पर ख़त्म है और अब ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान के अंदर कि तीन साल के लिए एक जमात का व्यम और दो साल के लिए एक जमात का वज़ादम एक दौरे खिलाफत की बात करूँगा हजरत अबू बकर सदीक रजी तहों ने बैतलमाल से कर्ज़ डिमांड किया कि मुझे कोई कर्ज हस्तान दिया जाए तो जो माल के उस वक्त इंचार्ज थे उन्होंने उसी रुका कह लें या खत कह लें मकतूब कह लें उसके पीछे लिखा कि आप जमानत दे दें कि आप अगली तनखा तक जिंदा रहेंगे उन्होंने कहा कि मुझे अगली मतलब मेरी तरह में आप एडजस्ट कर लें और मुझे कर्ज असना दे दें तो इस तरह का तक्वा था इस तरह का ईमान था कि उन्होंने जो इंचार्ज थे बैतुलमाल के लिख दिया कि क्या आपके पास जमानत है कि आप अगली तरह तक जिंदा रहेंगे तो ये जो कहते हैं ना समा सौ बर्ष का पल की खबर नहीं ये जो इस किस्म के फार्मूले हैरान कन हैं कि सियासतदान आपस में कल तक ये एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी तोपों से गोले दाग रहे थे एक दूसरे पर तनकीद के और के तीर बरसा बरसा रहे रहे थे रहे थे नश्तर और और अब फिर ये शक्कर हैं सौदेबाजी हो रही है सर मेरा क्वेश्चन पर जिससे तो आपने कहा कि दो साल एक पार्टी करेगी अगले दो या ढाई साल एक और पार्टी करेगी तो सर इस पर कितना डिफरेंस है जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों पर्सनलिटीज़ में उनकी लीडरशिप क्वालिटीज में तो ये तो बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट नहीं होगी आपने मुल्क चलाना है आपने कोई घर मतलब कोई कम सब बड़ी है है सबसे बड़ी बात है ये है प्ले लैंड तो नहीं है मैं सबसे बड़ी बात ये आज तालिबे आलम येर्स करूंगा कि आपके पास सादा अक्षियत होनी चाहिए हम्म वजी आलम के लिए एक जो आयन का तकाजा है लेकिन दूसरी तरफ आप एक غالبا غالبا कोई 50 प्लस उनके पास एमएनएस हैं पीपल्स पार्टी के पास और इस तरह जो है मुस्लिम लीग नोन उसके पास भी सादा अक्सीयत नहीं है तो ये मिल के अब सादा अक्सीत कुछ आज़ाद को मिला के एम क्यों को मिला के ये आज़ादा सादा अक्सीत हासिल करके तो ये पाँच साल बसरेकदार आएंगे, तो अब अमेजन करें कि जिस जमात के पास पचास साठ एम एन एज हैं उनका एक एम एन ए भले दो साल के लिए लेकिन वो वजे अदम मंतब होगा इस फार्मूले के तहत इस डील और ढील के तहत तो इससे बड़ा एक सियासी अजूबा और क्या हो सकता है हमारे पाकिस्तान के अंदर बहरहाल चूँकि हमारे यहाँ आयन में इस किस्म के झोल हैं इस किस्म के रस्ते हैं और उसका ये सियासतदान जो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं आप मुझे ये बताएं कि जब हम नवाज़ शरीफ की देखते हैं लीग को अगर वो सदारत लेते हैं तो उधर आपको क्या लगता है कि वज़ी कौन हो सकता है देखिए इस वक्त नवाज़ शरीफ सबसे ज़्यादा अपने मुस्तबिल के साथ साथ उनको सबसे ज़्यादा जो वो फिक्रमंद हैं अपनी बेटी मरीम नवाज़ के सियासी मुस्कबल के लिए पहले तो उनकी कोशिश ये जहनी तौर पर वो तैयार थे कि मैं नहीं तो मेरी बेटी आए प्राइम मिनिस्टर लेकिन शायद अब जो मकतदर हल्के हैं वहाँ से इस किस्म की जो है इस ऑप्शन को सर्कल। वोट के देखें, आप, भी होती आपकी ख्वाहिश अपनी जगह पर लेकिन कहीं और से मोहर भी लगती है उस पर अगर वहाँ से मोहर सप ना हो वहाँ से एन ओ सी ना मिले वहाँ से गो हेड ना मिले तो फिर आपके जो सारे इरादे हैं जाहिर है टूट कर बिखर जाते हैं तो अब उनको येबन गश मिली है वहाँ से आप पंजाब में अपनी बेटी का जो शौक इतज़ार है वो पूरा कर लें तो पंजाब में चूँकि उनके पास कम वेश अक्सियत के क्रीप -क्रीप तो अब खैर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा क्या कि अपने एक, शौक से एक, एक, एक पोजीशन लेने पाकिस्तान की जो हैं वो आपके पंजाब की जियाला होंगी और अब देखते हैं कि, कि उनका उनके दौर में वो किस तरह डिलीवर करती हैं और पंजाब में जाहिर आप पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आधा पाकिस्तान है और पंजाब के अंदर गुजारत यही सफ़र पंजाब से शुरू किया था नवाज शरीफ ने और फिर वो वफाक में पहुँचे थे देखिए सर देर आर टू थिंग्स अगर तो अपने शौक़ से ले रही है और शी फिल हर लिस्ट, तो फिर तो वो चली टेन्योर कम्प्लीट करके अगर तो वो वाकई डेस्टिन थी और उनको ये सीट मिलनी थी फिर उनको एज़ अ वसीला इस्तेमाल किया जाना था एज अ पोलिटन मुल्क के लिए तो फिर वो अलग बात थी तो आप आई होप यू गेटिंग द डिफरेंस देखिए पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के अंदर जो मौरूसियत है मौरूसी सियासत है वो एक हकीकत बन के सामने आई है और बावजूद कोशिश करने के उस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते उसके समराज कह लें या उसके मुजमरत कह लें वो हमारे सामने आए कई दहाइयों से हम मौरूसी सियासत को आ, भुगत रहे हैं बहरहाल अब ये असल इम्तहान शुरू होता है जब आपके पास को आइनी मनसब आ जाता है आप डिलीवर कर पाती हैं आप डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये फिर आपकी असल परफॉर्मेंस जो होती है वो मनसब मिलने के बाद होती है फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कल हमारे जो निगरान वजीर अजम हैं अनोर अक्ड़ जो हमारे दोस्त भी हैं मेहरबान भी हैं मौसम भी हैं जी जी उनके साथ याद अल्लाह है उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हालांकि बड़े वो बुरदबार और मिजाज हैं इससे पहले तक इतना बड़ा मनसब मिलने से पहले तक वो बड़े तम्बल मिजाज थे बड़े हंसमुख थे उससे पहले मैं आपको एक अर्ज करूँ कोट कॉल जो है हजरत अली रजी अल्लाह तालों का जो बाबुल इल्म हैं और अल्लाह के शेर हैं अल्लाह ने बेपनाह उनको इल्म से नवाजा है उनका बड़ा एक खूबसूरत बड़ा जामे कॉल है कि हकूमत दौलत और ताकत मिलने से लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं अब एक सादा सा सवाल था साफ़ी का कि क्या ये आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इसमें यही मफहूम है कि क्या बतौर निगरान वजम ये आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बाद नई हुकूमत जो है जिनको मिला है हाँ वो आ, सामने आएंगे तो आप उसको मुस्कुरा के जिस तरह आपकी बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट है आप कहते हैं नहीं आ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अभी चूंकि जब तक है हाँ, जब, जब तक, तक भी नहीं आई नहीं जब तक, तक पार्लियामान में ये सारे अरकान आगे पार्लियामान में हलफ नहीं लेते जी और, जी और नया जो कायदेवान है मुंतब नहीं होता तब तक मैं सर्व करूंगा जो आइन का तक है और मैं ना भी रहा तो मेरा जो सियासी कैरियर है वो तो नहीं खत्म हो रहा मैं तर्जुमान रहा हूँ कुम्ते बलोचिस्तान का मेरा आपके साथ जबता रा, वास्ता है साफियों के साथ वो तो बड़ा पुराना है और वो रहेगा जब तक मैं सियासत में हूँ हो सकता है अल्लाह ने मेरे लिए क्या इसके बाद मनसब अल्लाह ने सोचा हुआ है मैं किस मनसब पर सर्व करूँगा सो इसको बड़े लाइटर नोट पर लाइटर मूड अच्छे खुशगवार मूड में उसको हैंडल किया जा सकता था लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मुझे कैंसर हो गया और बड़ा तलख लेज से कहा कि अब बस खामोश हो जाए मुझे अपनी बात करने दें तो उनसे ये इस किस्म का जो रवैया है ना वो आप एक्सपेक्ट कर तो सकते को नहीं हैं सकते। तो किसी के पास तो पोजीशन और पावर तो आ जाए बड़े बड़े चेंज हो जाते हैं ये ये इकदार ये सारे आरजी हैं हाँ जी तो देख ले और लेना आप की जो मोमेंट है आपकी जो गुफ्तु है आपका जो लबो लेजा है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है तारीख में सो के साथ के साथ जिस तरह जो आपकी का खासा रहा है आप be. उसी के के साथ लोगों को फेस करें फ्रेंडली नेचर आदमी बारे में हैं कि a very intelligent and smart personality परे लिखे हैं और मतलब सर वो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे एक दोस्ती का हक रखता हूँ तो उस हक से मैं ये उनको एक नसीहत में छोटा हूं लेकिन बहरहाल

Hmm. वो खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल चली गई पहले भी मैंने उन्होंने हालांकि गिरफ्तारी अडियाला जेल में नहीं होती गिरफ्तारी हमेशा पुलिस को होती है जी आप पुलिस को गिरफ्तारी देते हैं तो पुलिस पर आपको जेल में लेके जाती है एक प्रोसेस होता है उसका बहरहाल अब ये बात है कि अदालत ने मैं कोई तालबिलफ्ती नहीं हूँ आलम दीन नहीं हूँ एक तालबिल्म हूँ और अल्लाह ताला हमें कमी पेशी माफ़ करे हमारी नीयत हमेशा ठीक होती है बात को गलत किसी को लग सकती है तो कोई उससे है। कर सकता सबका हक है, है। हाँ जी। अदालत ने उनका जो अदालत के फैसले का मतन है जो उसका मफहम है जी। वो ये है कि उनका निकाह हुआ ही नहीं था ठीक है अदालती फैसले की रूह से अगर हम ये अर्ज करें अपने नाजरीन को कि अदालत के कि फैसले की ये रूह है मफहूम है या मैसेज है कि उनका निका यानी इमरान ख़ान का और बुशरा बीबी का निका एग्जिस्ट ही नहीं करता था अगर निका था ही नहीं तो फिर इद्दत नहीं बनती किस तरह हुई ठीक मतलब है बनती है या नहीं नहीं दूसरी ये बात है कि वो बनी जाना कि क्या कर रही हैं जब वो इमरान खान की बकरौल अदालत के मैं फिर अदालत पर ये डाल रहा हूँ मैं इसका इससे बदल जुमा हूँ जी आप सही क्वेश्चन तो ने हाँ। कह दिया कि निका था ही नहीं सिरे से तो फिर वो बनी गाला में है? है। बहरल बनी गाला में उनके रहने का निकाह के बारे में जो एक फैसला आ गया उसके बाद खास तौर पर उनका बनी गाला में रहने का कोई जवाब नहीं है सिरे से कोई जवाब नहीं है ठीक है दूसरी तरफ चूंकि वहा इमरान खान नहीं है वो जंदान में है तो वो उनका अगर रह भी लें तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन जवाज़ नहीं है ना इखलाकी ना कानूनी और ना इस्लामी अतबार से अच्छा ठीक है अच्छा मुझे एक अब वो भी वजिद हैं चूँकि ये तासर उभरा कि शायद डील हो गई है अचानक नरमी आ गई है और लोगों ने यह भी कहा कि बाकी अगर पी टी आई की खातान जेलों में हैं और सख्तियाँ झेल रही हैं तो इन खातून के लिए अचानक नरमी ये कहाँ से आ गई किसके कहने पर आ गई तो ये भी ताशा दिया गया कि शायद इमरान ख़ान अपनी आ, मैं बेगम तो नहीं कहूँगा इस खातून के लिए कहीं नरम पड़ गए हैं थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं थोड़ा झुक गए हैं तो वो ख़ातून भी बिजिद हैं कि मुझे अड़ियाला जेल में रखा जाए जो एक कानूनी प्रोसेस अच्छा तो वो इन चीज़ों को आंसर बैक करने के के लिए जेल आ रही है। तो बांध इमरान खान भी ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी अपनी सजा के जो भी दिन हैं क्योंकि तो अभी तक वो सजाएं चैलेंज नहीं हुई जी जो कि यकीनन होंगी तो उसके लिए इमरान खान का भी ये मौकाफ है कि जो बुशरा बीबी है जेल वो डियाला जेल में आए और उसके लिए वो जो भी एक लीगल प्रोसेस होता है उसमें इमरान खान के कहने पर उनकी जो काउंसिल है उनकी लीगल टीम है वो उसको प्रोसेस को कर रही है बरकैफ़ अब इस पर हमारे जो मुफ्तियान हैं हमारे हैं वो बेहतर हमें हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि अदालत इसमें अपनी जगह पर बहुत सारे सवाल हैं कि अदालत ने उल्मा से और मुफ्तियान से अगर प्रॉपर इस पर रहनुमाई ली होती कुरान और सुन्नत की रोशनी में अदीस की रोशनी में कि निकाह इद्दत मुद्दत शादी तलाक़ सब कुछ जो भी मामलात हैं जहाँ पे शरा आ जाती है हमारा इस्लाम दीन आ जाता है वहाँ पे मैं समझता हूँ हमें अपने जो मुस्तनद और उलमा हजरात हैं उनसे रवनुमाई लेनी चाहिए हमारा दीन इसको मतलब इनक्रज करता है हमें तरगीब देता है कि जहाँ आप अपने आप को अंधेरे में महसूस करें किसी इबहम में किसी शक में महसूस करें तो आप फ़ौन रजू करें हाँ जी। अपने हजरा से और राहुमाई लें हम सब तलेब इलामें और इस्लाम में इश्तहाद की भी गुंजाइश है बहुत सारे मामलों में इश्तहाद की गुंजाइश है तो ये इस फोरम से हम सब समझते हैं कि मैं इससे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने एक आलम दीन से बात की उनसे रानुमाई ली और उसके बाद मैंने ये जसारत की है सवाल रेस करने की कि अगर शादी उनकी नहीं हुई थी तो फिर इज्जत नहीं, नहीं, तो नहीं बनती ठीक है और अगर भी नहीं बनती तो फिर वनी क्या करिए उनका आपस में रिश्ता नहीं है ठीक है और एक और सर मेरे पास भी क्वेश्चन आता है कि चले निकाह नहीं था कभी भी तो इज्जत नहीं बनती प्रैक्टिकली और वो ठीक है वो बनी गला क्या करी है ये भी पॉइंट है और ये सामान बांध के बजा रही है अडियाला जेल जी वो है कि मुझे बाकियों के साथ भी ट्रीट किया जा जाए तो सर मुझे एक क्वेश्चन था कि क्या अब जिस सिचुएशन में है अगर दोनों का कोई रिश्ता नहीं है तो क्या वो लोग निकाह कर सकते हैं

Bothering your mind regarding these certain topics, we just discussed with Mr. Muhammad Nasir Iqbal Khan. And do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast. Bye bye.